12 জন যাত্রী নিয়ে চলে টাইগার বাইক। কোনো তরল জ্বালানি লাগে না, ব্যাটারি চালাতে লাগে না, বাইরের বৈদ্যুতিক চার্জ। यहाँ पे जी बात करेंगे मेड इन बांग्लादेश टाइगर बाइक। ये बाइक जो है इसके बहुत चर्चे हो रहे हैं, हर जगह जो है इसकी वीडियोस जो है देखने को मिल रही हैं। ये एक ऐसी बाइक है जिस पे 10 से 12 लोग एक टाइम पे बैठ सकते हैं, और स्पेशली इसमें ना कोई तेल डलता है ना कोई पेट्रोल डलता है। बहुत कम बिजली की कंजम्पशन से ये जो बाइक है चलती है 40 से 50 किलोमीटर। एक बहुत लंबा सफ़र होता है जो अगर आप एक थोड़ी सी बिजली कंज्यूम करके अगर आप ये कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइक मनी सेविंग है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपना जो पैसा है वो सेव कर सकते हैं, और आपका जो पैसा पेट्रोल पे ऑयल पे खर्च होता है वो तमाम चीज़ें जो हैं आप आपकी उनसे जान छूट जाएगी। तो यहाँ जी बांग्लादेश के एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान ने, बहुत ही जीनियस इंसान ने ये टाइगर बाइक जो है लॉन्च की है, ये तैयार की है, और हर कोई जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है। अभी मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर करूँगी, ये रिपोर्ट शेयर करूँगी। रिपोर्ट आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। কোনো রকম তেল বা বিদ্যুৎ খরচ ছাড়াই চলছে গাড়ি। 12 জন যাত্রী নিয়ে 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিতে ছুটে চলা টাইগার বাইক তৈরি করেছেন সাতক্ষীরার শেখ ফারুক হোসেন। আর পরিবেশ বান্ধব গাড়িটি সাড়া ফেলেছে পুরো জেলায়। তবে সরকারি সহযোগিতা পেলে গাড়িটি বাজারজাত করা সম্ভব হবে বলছেন এর প্রস্তুতকারক। বরুণ ব্যানার্জির তথ্য ছবিতে প্রতিবেদন। 12 জন যাত্রী নিয়ে চলে টাইগার বাইক। কোনো তরল জ্বালানি লাগে না, ব্যাটারি চালাতে লাগে না, বাইরের বৈদ্যুতিক চার্জ, ফলে গাড়ি চালাতে প্রতিদিনের কোনো জ্বালানি খরচ নেই। এই গাড়ি তৈরি করেছেন সাতক্ষীরার লাশবা ইউনিয়নের থানাঘাটা গ্রামের শেখ ফারুক হোসেন। গাড়িতে যুক্ত হয়েছে ডায়নামো। প্রথমে ব্যাটারিতে চালু হয় সেই ডায়নামো, পরে ডায়নামোর বিদ্যুতে চলে গাড়ি, একই সাথে সেই বিদ্যুতেই রিচার্জ হয় ব্যাটারি। এই গাড়িতে গাড়ি যত চলবে তত চার্জ হবে, এই গাড়ি রোডে পড়ি থাকবে না, শুধু যান্ত্রিক জলযোগ ছাড়া গাড়ি চলে আসবে। বাইরের বিদ্যুৎ বা তরল জ্বালানি ছাড়া পরিবেশ বান্ধব এই গাড়ি দেখে উচ্ছ্বসিত এলাকাবাসী। আমরা আসলে জসকোটে একটা ইমার্জেন্সি কাজে আসছিলাম, হ্যাঁ, এসে দেখলাম যে এখানে একটা মানে আননন গাড়ি যেটা আমরা এর আগে কখনো দেখি নাই। আজকে এই গাড়িটা অত্যন্ত আরামদায়ক পড়েছেন কিনা, আমি গাড়িতে চড়েছি, গাড়িটা খুবই আরামদায়ক এবং পরিবেশ বান্ধব। আমি দরকার হয়েছিলাম ডিসি অফিসে, এসে দেখি এক সুন্দর একটা গাড়ি। জ্বালানিবিহীন এই গাড়ির চাহিদা হবে ব্যাপক, তাই বাণিজ্যিকভাবে এই গাড়ি তৈরি ও বাজারজাত করায় সরকারের সহযোগিতা দরকার বলে মনে করেন জনপ্রতিনিধি সহ স্থানীয়রা। এটা যখন বাজারজাতকরণ হবে তখন দেশের জন্য এবং জনগণের জন্য এবং তাকে আরো এই এই গাড়িটা যাতে বাজারজাতকরণ করা যায় সরকারের প্রতি আমার আহ্বান রাখবো। যাত্রী সহ 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে টাইগার বাইক। এটি তৈরি করতে সময় লেগেছে 3 মাস আর খরচ হয়েছে 3 লক্ষ টাকা। শাকিলা শম্পা, 71। जी ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, ये टाइगर बाइक वाकई में एक टाइगर के जैसी है। इसमें एक वक्त पे 10 से 12 लोग बैठ सकते हैं, और स्पेशली मज़े की चीज़ ये है कि पहले इसको बैटरी से ठीक है स्टार्ट किया जाता है, और फिर जब ये एक बार स्टार्ट हो जाती है तो फिर बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, बैटरी भी चार्ज कर देती है, और ये गाड़ी जो है इस तरह चलती है, ये टाइगर बाइक जो है इस तरह चलती है कि ये बैटरी को भी चार्ज कर देती है। तो ये मैंने ऐसी चीज़ जो है फर्स्ट टाइम देखी है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा जो ठीक है आपकी जो मनी पेट्रोल में ऑयल में डीजल में खर्च हो रही होती है उससे आप खुद को बचाना है अगर आपने, तो आप इस टाइप की कोई चीज़ है जो बाय कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी चीज़ है जो कि बनाई गई है,
और यहाँ अगर इसको मज़ीद इसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है, लोगों को इसको दिखाया जाता है, तो इसको बिना कि बांग्लादेश के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में साइकिल रिक्शाज हैं जो कि चलते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा जो है ना जैम रहती है। तो इन साइकिल रिक्शाज को अगर रिप्लेस कर दिया जाए इस टाइगर बाइक से, तो आई थिंक इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत बहुत आला किस्म की चीज़ है। सो ये बहुत ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगी है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लास्ट में लाइक करें, शेयर करें। आई विल सी यू टिल देन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।